हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। खबर रेवाड़ी जिले के बावल। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने नायब तहसीलदार रवि कुमार के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें शामलात देव व जुमला मुस्तरका भूमि पर काबिज किसानों को उस जमीन का मालिकाना हक देने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार ने शामलात देव व जुमला मुस्तरका भूमि को स्थानीय निकायों के नाम करने का फैसला गलत है। ऐसा होने से जिस धरती पर बरसों से किसान खेती करके अपना गुजारा करते आ हैं, उस पर उनका हक छिन जाएगा, जो इनके साथ अन्याय होगा। भाकियू चौनी के जिला उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह महलावत ने कहा कि उनकी यूनियन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी और सरकार के इस निर्णय को किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के हजारों किसान बेघर और भूमिहीन हो जाएंगे। सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। अगर वह ऐसा नहीं करती तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस मौके पर किसान नेता जगदीश खेड़ा मुरार, सुमेर जेलदार, बलराज सिंह, नरेश महलावत, प्रकाश, संजय व चंद्राम आदि मौजूद रहे। जय जवान, जय किसान। आज हमने प्रधान सरकार को ज्ञापन दिया है अपने तहसीलदार साहब के माध्यम से, जिसके हमें मालिक बनाया जाए। जो सरकार हमसे छीनने का काम कर रही है, ये गलत कर रही है। जो कि हम इस ज़मीन के मालिक थे, पहले भी हमें रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल चढ़े हुए हैं हमारे, इसको लेकर आज हमने तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है कि इसके जल्दी से जल्दी हमें मालिकाना हक दिलाया जाए और इन पर मालिक बनाया जाए।